इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब पैनल को कॉफ आईसी को बॉन्डिंग करना होता है, उससे पहले जो खराब वाला आईसी है उसको निकालना पड़ता है, तो उसको हम कैसे निकालें। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए इसको ऐसे ही खींचना नहीं है। अगर ऐसे ही खींचते हैं तो या तो ट्रैक्स ख़राब हो सकते हैं या आईसी ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए हम इसको हीट करके निकालेंगे। उसके लिए ये हॉट गन के ऊपर हमने 350 के आसपास टेम्परेचर सेट किया है, तो इतने टेम्परेचर से हम इसको हीट करेंगे। गन को ऐसे थोड़ा क्रॉस रखना है, ऐसे सीधा नहीं रखना है, थोड़ा क्रॉस रख के इसको नज़दीक से हीट करना है। ऐसे आराम से घुमाते जाइए हीट। ऐसे 3-4 बार हीट करते हैं तो पूरा आईसी गर्म हो जाता है। फिर इधर कोने में से इसको आराम से धक्का लगाते जाएंगे तो आराम से वो आईसी निकल दी जाएगी। ज़बरदस्ती नहीं करना है वरना आईसी ख़राब हो सकती है। देखिए ये किसी भी साइड से रिलीज़ हो गया। उसके लिए ये टूथपिक में से एक टूल बनाया है जिसके सपोर्ट से हम आईसी को विदाउट फेल निकाल सकते हैं। ओके, अभी ग्लास साइड से निकालेंगे। ग्लास साइड में अगेन सेम प्रोसेस, उसको हॉटगन से हीट करना है। इस वक्त ये ख्याल रखना है कि ज़्यादा हीट स्क्रीन के ऊपर नहीं जानी चाहिए वरना उसका पोलराइजर जो है वो ख़राब हो सकता है। ये हीट किया, अभी इस तरफ से हल्का सा ये टूथपिक को लगा के ऐसे स्लाइड करते जाएंगे, धक्का लगाते जाएंगे तो आराम से आईसी निकल जाएगी, बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। ये देखिए निकल गया। ये इससे क्या होता है, गर्म करने से निकालने से आईसी ख़राब नहीं होती है और इसको हम वापस इसी को लगा भी सकते हैं या दूसरी पैनल में भी इसको क्लीन करके डाल सकते हैं। इसके बाद के दूसरे वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि इसको क्लीन कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर पुराने कॉफ को रीयूज करना है तो उसको क्लीन कैसे करते हैं। पुराने कॉफ को निकालने के बाद उसको रीयूज करने से पहले क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर दोनों तरफ पुराना SEF टेप चिपका हुआ होता है जिसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है वरना रिजल्ट नहीं आता। बराबर है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि माइक्रोस्कोप के ऊपर कि इसमें कितना डस्ट और पुराना SEF टेप चिपका हुआ है। ये देखिए, ये माइक्रोस्कोप के ऊपर दिख रहा है कि इसमें कितना पुराना डस्टिंग और ये SEF टेप चिपका हुआ है। जो भी ये काला काला आपको दिख रहा है वो सब पुराना SEF टेप है, ये जो भी दिख रहा है वो सब, तो उसको पहले क्लीन करना पड़ता है। ये PCB साइड पे भी दिखाता हूँ, ये PCB साइड पे बहुत सारा पुराना टेप लगा हुआ है। अब हम इसको क्लीन करके देखते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए इसके ऊपर SEF रिमूवर लगाना पड़ता है, जो ये बोतल आती है, केमिकल होता है, उसको थोड़ा सा सिर्फ ये जो बनाया हुआ है टूल उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा लेके, बहुत ही थोड़ा सा, इसके दोनों ट्रैक के ऊपर ऐसे लगाना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना है। दोनों साइड, PCB साइड और ग्लास साइड, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा लगा देना है। ये चमड़ी पर ना लगे ये ख्याल रखना है, ये बहुत ही जलद होता है, वो चमड़ी पर लगने से चमड़ी जल सकती है। अभी ये SEF रिमूवर इसके ऊपर लगा दिया, थोड़ी देर इसको सूख जाए तब तक वेट करना होता है, तकरीबन 25 से 30 सेकंड तक। ओके, अभी इसको थोड़ा सूखने देते हैं। अब ये सूख गया है तो इसको हम ये एसीटोन लिक्विड से क्लीन करेंगे। पहले उसके लिए ये ईयरबड का यूज़ करेंगे, इसको एसीटोन में भिगो के ऐसे वर्टिकली उसको रब करना है, यानी घिसना है उसको, ऐसे ऐसे बहुत ही हल्के हाथ से उसको घिसते जाना है, ऐसे
हर एक ट्रैक घिसना पड़ेगा। ऐसे आहिस्ता से वर्टिकली उसको खींचते जाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है वरना ट्रैक ख़राब हो सकते हैं, फिर वो आईसी रीयूज़ नहीं हो सकती। ऐसे आहिस्ता से घिसते रहना है जब तक पूरा पुराना एसीएफ टेप रिमूव ना हो जाए, तब तक इसको घिसते रहना है। जो भी काला काला जो पोर्शन था वो बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए दोनों तरफ से, फिर ग्लास साइड भी घिसना होता है। और साथ में वो माइक्रोस्कोप पे देखते जाना है कि कितना क्लीनिंग हुआ है, क्योंकि ये ग्लास साइड के ट्रैक आपको दिखेंगे नहीं, वो माइक्रोस्कोप पे ही ऑब्जर्व करना होता है कि अभी कितना क्लीन हुआ है। इसको एसीटोन में भिगो के बार बार घिसते जाओ। अभी इसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर कि वो कितना क्लीन हुआ है। ये देखिए, ये भी माइक्रोस्कोप के ऊपर दिख रहा है कि जो पुराना टेप लगा था काला काला वो सारा हट गया है और एकदम कॉफ क्लीन हो गया है। दूसरा ये भी ऑब्जर्व करना है कि घिसते वक्त इसका कोई ट्रैक डैमेज नहीं हो गया ना, वरना उस जगह पे ट्रैक निकल गया है तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, उस जगह पे लाइन आ सकती है पैनल में। ठीक है, ये ग्लास साइड पूरा क्लीन हो गया, ये पीसीबी साइड में भी देख लेते हैं अच्छी तरह से, ये पूरा आईसी क्लीन हो गया है अच्छी तरह से। तो ऐसे ईयरबड लेके उसको खींचते खींचते क्लीन करना है। अगर दोबारा वो दिखे डर्टी तो उसको वापस क्लीन करना है, बराबर। अब ये आईसी क्लीन हो गया है, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये आईसी क्लीन हो गया है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको बॉन्डिंग करने से पहले इसके ऊपर दोनों तरफ ग्लास साइड और पीसीबी साइड एसीएफ टेप लगाना होता है और उसको प्री बॉन्डिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईसी को क्लीन करने के बाद बॉन्डिंग करने से पहले उसके ऊपर एसीएफ टेप लगा के प्री बॉन्डिंग कैसे करते हैं। उसके लिए दो तरह की अलग अलग टेप होती है, एक ग्लास साइड टेप होती है जो 1.5 mm का होता है, ग्लास साइड जो टेप होता है एसीएफ टेप वो 1.5 mm होता है, और ये पीसीबी साइड का एसीएफ टेप है जो कि 2.0 mm का होता है। तो ये ग्लास साइड टेप पहले लगा देते हैं, इसको थोड़ा काट के आईसी के साइज से थोड़ा बड़ा काट के इसको ट्रैक के ऊपर बिल्कुल लगाना है। ऐसे लगा देना है उसको अच्छी तरह से चिपका के, फिर उसके ऊपर ये टी शेप वाला आयरन है उससे हीट कर देना है, जिससे वो आईसी के साथ चिपक जाएगा टेप। ये ग्लास साइड लग गया टेप, अब पीसीबी साइड लगाएंगे, उसके लिए ये वाला 2.0 वाला टेप यूज़ करेंगे। इसको भी उसी तरह से लगा देना है और फिर उसको ये आयरन से हीट कर देना है। इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे तो आईसी के साथ
चिपक जाएगा। अब उसको इधर चिपका हुआ है उसको हटा देना है ऐसे आराम से, आईसी डैमेज ना हो ख्याल रखना है। फिर जो एक्स्ट्रा टेप है वो निकाल देना है। जो भी एक्स्ट्रा टेप है उसको हटा देना है जिससे वो कहीं इधर उधर चिपके नहीं, और उसके इंसुलेशन को ऐसे ही रहने देना है। जो हम मशीन के ऊपर जब बॉन्डिंग करेंगे तब ही निकालेंगे, तब तक इसको ऐसे ही इंसुलेशन को रहने देना है। तो ये आईसी बॉन्डिंग के लिए रेडी हो गई है, इसको प्री बॉन्डिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये अभी रेडी हो गई है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस आईसी को पैनल के ऊपर बॉन्डिंग कैसे करते हैं, बॉन्डिंग मशीन के ऊपर इसको बॉन्डिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉफ आईसी को पैनल के ऊपर बॉन्डिंग कैसे करते हैं। उसके लिए कॉफ आईसी को पहले से ही एसीएफ टेप लगा के प्री बॉन्डिंग कर दिया है। इसको सबसे पहले पैनल को इधर अलाइन करना होता है हेड के ऊपर। तो इधर स्क्रीन में देख के सबसे पहले ये पैनल को अलाइन करते हैं। ये उसका राइट साइड का व्यू दिखा रहा है, ये लेफ्ट साइड का व्यू दिखा रहा है। पैनल के ऊपर ये दोनों मार्क लगे हैं वो। अब ये आईसी को इधर क्लिप में सेट करना है। और इधर ग्लास के ऊपर उसको अलाइन करना है। ये दोनों तरफ स्क्रीन में देख के इसको अलाइन करना होता है। उसके लिए उसकी मूवमेंट के लिए इधर लीवर्स दिए गए हैं, उसको घुमा के जैसे रोटेट करना है लेफ्ट राइट उसको मूव करना है, तो यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं ये लीवर से। इसका इंसुलेशन हटा देते हैं। अब इधर जो मार्क दिख रहे हैं दोनों तरफ वो दोनों साथ में करना है। घुमा के रोटेट करके लाइट लेफ्ट लेफ्ट राइट दोनों तरफ मूव कर सकते हैं हम। यह भी दोनों मार्क जो है वो साथ में आ गए। उसका पहला ट्रैक, पहला जो लाइन है वो ट्रैक टू ट्रैक आना चाहिए, वो सब देख लेना है। जब उसका अलाइनमेंट हो जाए ठीक से तो उसके ऊपर ये टेफ्लॉन रख देना है जो कि आईसी के प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इधर ग्लास साइड का प्रोफाइल सिलेक्ट करके ये दोनों बटन को एक साथ प्रेस कर देना है। ये अभी बॉन्डिंग प्रोसेस हो रहा है अभी, वो सब अपने आप हीट सेट कर लेता है। प्रेशर कितना रखना है, हेड का प्रेशर, हेड का हीटिंग, वो सब अपने आप सेट किया होता है पहले से ही, प्रोफाइल सेट की हुई होती है। कूलिंग करने के लिए एयर का फ्लो आया था जिसकी वो आवाज़ थी। अब ये बॉन्डिंग हो गया है, अब पीसीबी साइड बॉन्डिंग करेंगे। उसके लिए इधर वो फाइसी को मैन्युअली इधर पीसीबी के ऊपर उसका ट्रैक टू ट्रैक देख के इसको पहले ऐसे ही मैन्युअली चिपका देना है। आयरन से थोड़ा उसको प्री बॉन्डिंग कर देना है, थोड़ा हीट कर देना है जिससे वो हिले नहीं अंदर से बॉन्डिंग के दौरान। अभी उसको हेड के ऊपर सेट करना है और हेड को नीचे लाके अलाइनमेंट कर देना है कि हेड वो कॉफ आईसी के ऊपर ही नीचे आए, ऐसा सेट कर देना है। जब ये सेट हो जाए तब इधर पीसीबी का प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेना है और ये
जो टेफ्लोन है उसको इधर सेट कर देना है और दोनों बटन को एक साथ प्रेस कर देना है। तो ये किसी भी साइड अभी बॉन्डिंग हो रहा है। इधर सारा हम देख सकते हैं कि अभी कितना टेम्परेचर है, अभी कितना टेम्परेचर। ये PCB साइड भी बॉन्डिंग हो गया, तो ये पैनल जो है वो रेडी हो गया, इसके साथ कॉफ IC बॉन्डिंग हो गई है।